उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। आप ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उद्यमी योजना से रिलेटेड। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं करूँगा कि बहुत लोगों का ये बात होगा कि सेशन 2022 से 23 के लिए या जो प्रीवियस ईयर में जिनका पहला किस्त अभी तक आपका नहीं मिला है, तो आप जो ट्रेड चेंज है, बिजनेस आप चेंज कर सकते हैं। नोटबुक से ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर से आप चाहे तो आटा सत्तू बेसन का बिजनेस आप ट्रेड चेंज कर सकते हैं। कब चेंज करेंगे, कब नहीं करेंगे, अगर आपका पहला किस्त मिल गया है तो आप जो ट्रेड चेंज नहीं कर सकते हैं। रही बात स्थल परिवर्तन की, तो आप स्थल परिवर्तन आप कभी भी कर सकते हैं। स्थल परिवर्तन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिला उद्योग केंद्र से आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। और कैसे क्या करना है, आप अपने ही जिला के अंदर ही स्थल परिवर्तन आप कर सकते हैं। जैसे ससुराल का कोई आदमी है तो आप अपने यहाँ चाहे नैहला में आप कहीं भी कर सकते हैं, तो आप अपने जिला के अंदर में स्थल परिवर्तन कर सकते हैं। और रही बात आपको साथियों, अब लॉटरी सिस्टम से ही जो सेशन 2022 से 23 है, लॉटरी सिस्टम से ही आपका 8000 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। जो सिलेक्शन होगा लॉटरी सिस्टम से, अगर लॉटरी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको जानना है तो आपको इस वीडियो को अच्छी खासी रेस्पॉन्स होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हाँ लॉटरी सिस्टम का पे वीडियो चाहिए, तो उस पर भी आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को, बिहार में CM उद्यम योजना के तहत दिए जा रहे हैं 10 लाख तक का लोन, रियायती लोन, जानिए कब से कर सकते हैं आवेदन। आपको बता दें कि CM यानी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख की राशि दिया जाता है, जिसमें आपका 5 लाख की राशि माफ़ है और 5 लाख की राशि आपका 7 वर्ष में 84 किस्त में देना होता है, रिटर्न आपको करना पड़ेगा। तो बिहार के यहां पर देख सकते हैं, ये 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक इसका आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा और ये आवेदन आपका निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का एक भी पैसा किसी को नहीं देना है। अभी फ़िलहाल जो सेशन है 2022 से 23 के लिए, 2022 से 23 के लिए जो नए साइकिल है उसके लिए आपका आवेदन शुरू हो रहा है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए। और इस वित्तीय वर्ष में आपको 8000 उद्यमियों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। ओके, लॉटरी सिस्टम क्या होता है इस पर मैं डिटेल्स में वीडियो लाऊँगा। आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर लॉटरी सिस्टम का पर एक अलग से वीडियो बनाया जाए, क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ जो कैसे होता है लॉटरी सिस्टम, वो पर भी वीडियो में अपलोड करा दूँगा। आपके लिए इतना तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ, 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी क्या है कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देना पड़ेगा। इसमें किसी भी जो जालसाज है, जो घुसखोर व्यक्ति है, उनसे आपको कोई भी दलाली के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। खुद ब खुद आपको अपना, जबकि वो लोग भी क्या करेगा, सारा डॉक्यूमेंट आपका लेगा, ऑनलाइन अप्लाई करेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो भले भले, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके पीछे पीछे बवाते रहो, तो उसके पीछे पीछे क्यों बवाने जाएंगे जी। खुद से आपको अपने से अप्लाई करना है। यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन की आधिकारिक घोषणा उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडिक ने किया है। और इस साल कयास लगाया जा रहा था कि लॉटरी सिस्टम प्रभावी होगा या नहीं होगा, तो ये क्लियर इन्होंने कर दिया है कि हाँ जो लॉटरी सिस्टम है इस बार जो 2022 से 23 का सेशन है वो लॉटरी सिस्टम से ही लिया जाएगा। ये हिंदुस्तान का था और ये प्रभात खबर का है। प्रभात खबर भी वही बात बता रहा है कि 31 दिसंबर तक आपको आवेदन करना है, 8000 जो नव उद्यमी है उसको सिलेक्शन लिया जाएगा और 10 लाख का लोन दिया जाता है, 5 लाख आपका अनुदान है, 5 लाख आपको लौटाना नहीं पड़ेगा, समझे, उसको
पाँच लाख को माफ़ हो जाएगा, 5 लाख आपका अनुदान के रूप में आपका जो 84 किस्त में, समझ रहे हैं, 84 किस्त में 7 वर्ष में लौटाना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं संदीप पौंडिक सर ने बजाते के साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक ले ऑनलाइन पोर्टल लिया जाएगा रैंडमाइज लॉटरी सिस्टम से, और किसी जालसाज के चक्कर में नहीं पड़ना है। आवेदन निःशुल्क है, किसी को पैसा नहीं देना है। हिंदुस्तान पेपर में भी दे रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन 1 दिसंबर से किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 दिसंबर से आपका लिया जाएगा, जिसमें जो 8000 टोटल है सभी ट्रेड के लिए 5000 रहेगा, जितने भी ट्रेड है ट्रेड वाई आपका 5000 रहेगा। इसके बाद आपका है कपड़े, सभी ट्रेड के लिए आपका जो है ना 5000 रहेगा। इसके बाद कपड़ा चमड़ा उद्योग के लिए 2000 रहेगा, बियाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के लिए कपड़े चमड़े और फूड प्रोसेसिंग के लिए 8000 आवेदन लिया जाएगा। इसके अलावा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना नहीं होगा पहले भुगतान के बाद ट्रेड में बदलाव 2 महीना के अंदर भेजे यह प्रमाण पत्र। क्या है कि पहले आपका ट्रेड चेंज करने का जो कंडीशन था किसी भी टाइम आप चेंज कर सकते हैं, अब जो नियम लग गया है कि आपका जो ट्रेड है अगर आपका पहली किस्त मिल गया है, पहली किस्त आपका मिल गया है तो पहली किस्त मिलने के बाद आप ट्रेड जो आपका बिजनेस है, बिजनेस का नाम में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, आप ट्रेड भी नहीं बदल सकते हैं। मान लेते हैं कि फिलहाल अभी आपका नोटबुक है, आप चाहिएगा नहीं भाई हम नोटबुक में हम अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, हम चलाना चाहते हैं ब्यूटी पार्लर, तो ब्यूटी पार्लर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं पहला किस्त मिल जाने के बाद। हाँ, आप पहला किस्त आपका नहीं मिला है तो उससे पहले आप ट्रेड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान लेते हैं पहला किस्त आपका मिल गया, उसके बाद मिल जाने के बाद 60 दिनों के भीतर उद्यमों की इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है, जो पहला किस्त आपका मिल गया, आपने कहाँ कहाँ पे खर्च किया है, कैसे खर्च किया है, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं, ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें नोटिस भेजा जाएगा, वहीं पहले भुगतान के बाद ट्रेड में चेंज नहीं किया जाएगा, उसको नोटिस दिया जाएगा भाई आपने क्यों नहीं 60 दिन आपका हो गया है, आपने उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं आवेदन अप्लाई किया है, अपलोड किया है, ऑनलाइन ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको एक लेटर नोटिस दिया जाएगा और 15 दिन के अंदर में आपको जितने भी पैसा आपका जो मिला हुआ है वो पैसा राशि का रिकवरी की जाएगी, राशि को रिटर्न कर लिया जाएगा। रही बात आपका जो है ट्रेड जो चेंज नहीं होगा, लेकिन स्थल परिवर्तन आप कर सकते हैं। स्थल परिवर्तन करने के लिए क्या कंडीशन है, जिला के अंदर उद्यम का स्थल परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको जिस जिला से आप आते हैं उसी जिला में कहीं भी आप आवेदन जो आती है क्या कहते हैं स्थल परिवर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक जिला से दूसरे जिला में आप नहीं जा सकते हैं। अगर आपको स्थल परिवर्तन करना है तो आप अपने ही जिला में कहीं दूसरे जगह अपने ही जिला में आपका कहीं भी नयाला हो, ससुराल हो, कहीं भी आप अपने ही जिला में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, समझ रहे हैं, तो जिला के अंदर ही। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जिला के अंदर जो जीएम महोदय हैं, जो स्वीकृति निदेशक तकनीकी है, असर से उसकी हिदायती दी जाएगी। बिना निदेशक तकनीकी की सहमति से कोई भी उद्यम में स्थल परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। राशि की निकासी 60 दिन बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले को भेजी जाएगी नोटिस, राशि रिकवरी की भी कार्रवाई करेगा उद्योग विभाग। और इसी में है कि सभी जिला को उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को पत्र लिख करके प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना जो है पीएफएमई योजना जो होता है इसके तहत आपको आवेदन लिया जाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जिला उद्योग केंद्र से आपको संपर्क करना है कि आपको इसके बारे में क्या होता है, तो इसके तेजी लाने के लिए अविलंब जिला साधन सेवी की नियुक्ति करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रभात खबर भी यही बात बता रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुक अब प्रथम किस्त के भुगतान के बाद ट्रेड चेंज नहीं कर सकते हैं।
ट्रेड चेंज उद्यमियों के ट्रेड बदलने के लिए लगातार आ रहे आवेदन के बाद उद्योग विभाग ने यह अहम फैसला लिया है कि बार बार आप लोग जो ट्रेड चेंज करते हैं, अगर पहला किस्त आपको मिल गया है तो आप ट्रेड चेंज नहीं कर सकते हैं। रही बात असल परिवर्तन की, तो आप अपने जिला उद्योग जो निदेशक पदाधिकारी है उनसे आपको संपर्क करना है। आप अपने ही जिला में अस्थल परिवर्तन आप कर सकते हैं, ट्रेड चेंज आप नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।